देखिए ताज हम लोग हिंदी में चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर टू का हेडिंग है जैसा कि हम लोग कहे थे वर्णमाला वर्णेद बर्न यही चर्चा न कर रहे थे अब वर्णमाला टॉपिक को समझने के लिए एक चित्र हम लेकर के आ रहे हैं और हमको लगता है कि उस चित्र में ही पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और वो क्या है उसको ऐसा समझिए अगर हम लोग वर्ण भेद का बात करते हैं ठीक ना चीज का बात करते हैं वर्ण भेद का तो ध्वनि का जो चिन्ह होता है हम लोग बोलते हैं कि वर्ण किसे कह रहे हैं जो जो ध्वनि का चिन्ह है जैसे अगर हम लोग किसी चीज का उच्चारण किए क तो का उच्चारण कर रहे हैं तो क लिख रहे हैं यही चिन्ह है अगर हम उच्चारण कर रहे हैं हमारे मुंह से जो ध्वनि उच्चरित हो रही है इस ध्वनि को एक हम लोग रूप दे रहे हैं चिन्ह दे रहे हैं उसी चिन्ह को वर्ण कहते हैं पूरा हिंदी जो साहित्य है इसके लिए कितने वर्णों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बावन ठीक है इंग्लिश वर्णमाला में कितने वर्ण है छब्बीस उसका ठीक डबल वर्ण है वैसे सामान्य तौर पर यह अवधारणा मानी जाती है कि जिस भाषा में वर्णों की संख्या जितना कम होती है ठीक वो, वो है वो भाषा उतना ज्यादा प्रभावशाली एवं प्रचारित होता है बावन वर्णों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइएगा इन बावन वर्णों का विभाजन कैसे कहते हैं ये बावन वर्ण को संयुक्त रूप से तो हम लोग क्या बुला सकते हैं जी वर्णमाला बावन वर्णों को संयुक्त रूप से क्या बुला सकते हैं वर्णमाला ठीक है माला। अब इन बावन वर्णों को सामान्यतः हम लोग तीन भागों में बांटते हैं एक स्वर दूसरा व्यंजन और तीसरा को बोलते हैं आयोगवा ठीक ना अब स्वर का मतलब क्या हुआ इसका एक सिंपल सा परिभाषा है जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या वर्ण की सहायता लेनी पड़े तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण किया और वह है अ तो अ के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं लिए अगर हम लोग अ की जगह उच्चारण करें आ तो इसमें अ प्लस अ मतलब जो स्व वर्ण है अपना ही वर्ण है उसी का दोबारा इस्तेमाल होता है ठीक है तो उसको हम लोग कहते हैं आ अब हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या अगर ग्यारह है तो जो वर्ण में स्व वर्ण की भी जरूरत ना लेनी पड़े मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जैसे अ की मात्रा हम लोग लगाते हैं छोटी ई की मात्रा हम लोग लगाते हैं ठीक है उ की मात्रा लगाते हैं ठीक है और री की मात्रा लगाते हैं ठीक ना तो ये चार ऐसे वर्ण हैं जिनमें किसी अपने ही वर्ण की भी जरूरत नहीं है हर्स्व मतलब एक स्वर बोलते हैं इसमें सिर्फ 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 एक ही स्वर होगा तो चार हरा स्वर है दीर्घ स्वर कितने हैं तो अ और 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 मिला तो क्या बना आ तो दीर्घ इसीलिए हो गया मतलब ये डबल हो गया अ प्लस अ बराबर आ ठीक है इसी प्रकार ई प्लस ई दो छोटी की मात्रा मिली तो हो गया बड़ी ठीक छोटी ऊ और छोटी ऊ दो बार मिला तो क्या बना बड़ी तो जब एक ही वर्ड दो बार आ जाए स्वर वर्ड तो उसे हम लोग नाम दिए दीर्घ वर्ड ठीक ना इसी प्रकार संयुक्त स्वर क्या है तो इसमें दो स्वर होते हैं लेकिन समान ग्रुप के नहीं होते अलग अलग होंगे जैसे इसका रूप क्या है ए ओ और अ अब देखिए ए जो वर्ण है ए अ और ई के मिलने से बना है ठीक ना ए जो है ये देखिए ये अक्सर लोग गलती करते हैं अ के जगह पर बड़ी ही लगा देते हैं लेकिन अ ए के मिलने से बना है ओ अ और उ के मिलने से बना है और अ अ और ओ के मिलने से बना है समझ गए बात को चारों संयुक्त क्यों हुए क्योंकि इसमें दो अलग अलग सर स्वर जो है सो मिले हुए हैं ठीक है ये सारे प्रश्न होते हैं वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है फिफ्टी टू बावन इनमें कितने स्वर हैं? हरा स्वर कितने हैं चार दीर्घ स्वर कितने हैं और संयुक्त स्वर कितने हैं चार अब देखो इसमें क्या है कि हरस स्वर को हम लोग बोलते हैं एक दूसरा नाम से एक मात्रिक ठीक है क्या बोलेंगे एक मात्रिक एक मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर को हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक मतलब एक ही मात्रा है लेकिन दो बार आया है ठीक एक ही जगह हिंदी में ऐसा जगह आता है जहां एक ही वर्ण उच्चारण तीन बार होता है और अगर ऐसा हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं प्लूत ठीक है और प्लूत का उच्चारण होता है ओम और ओम में क्या होता है कि अवर्ण की ध्वनि तीन बार आती है ठीक है लेकिन प्लूत जो है सो वर्णमाला में शामिल नहीं ठीक है तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा ओ किस प्रकार का स्वर री किस प्रकार का स्वर है बड़ी मात्रा किस प्रकार का स्वर है दीर्घ द्विमात्र स्वर कितने होते हैं तीन, हरस्वर कितने होते हैं संयुक्त स्वर कितने होते हैं प्लूत कितने होते हैं प्लूत वर्णमाला में हो, आता है कि नहीं आता है ठीक है प्लूत का उदाहरण कौन है कि किसको त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं ठीक है ये सब क्वेश्चन है इतना ही दूर में मतलब 20 से 25 प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में साफ साफ देगा कि ए लिखा हुआ रहेगा लिखेगा दो स्वरों के संयुक्त रूप है ठीक है हाँ ओम के उच्चारण में अ की मात्रा तीन बार चलती है इसीलिए वो ओम हो जाती है ठीक है तो उसका उदाहरण इसी प्रकार मान लीजिए हम लोग को ग्यारह स्वर तो मिल गए ग्यारह स्वर को तीन भाग में बांटे हरस दीर्घ और संयुक्त चार प्लस तीन प्लस चार यही अनुपात रहा ठीक है तो आगे बोलता है व्यंजन वर्ण अब देखो व्यंजन वर्ण को भी अगर हम लोग बांटेंगे तो व्यंजन वर्ण का पहला फॉर्म है स्पर्श व्यंजन दूसरा को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन तीसरा को बोलते हैं उसमें व्यंजन चौथा को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन ठीक है और पांचवा को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन तो व्यंजन वर्णों का भेद कितना हो गया पांच अब देखो व्यंजन वर्णों में पहला जो है स्पर्श व्यंजन स्पर्श मतलब होता है टच मी टच तच करना क्या टच करेगा वर्ण निकलेगा इसी के आधार पर इसका रूप स्पर्श का मतलब है कुछ न कुछ स्पर्श करेगा जैसे अब देखिए क वर्ग के ये जो पांचों वर्ण है कख कख अंग इनके उच्चारण किसके मदद से किए जाते हैं कंठ ठीक है किसकी मदद से किए जाते हैं कंठ की मदद से जैसे अब कंठ में क्या हुआ ठीक है जैसे अगर आप कंठ को रोक दीजिएगा जो उच्चारण तो नहीं निकलेगा ए, आगे खींचता है दोनों कंठ आपस में स्पर्श करते हैं सटते हैं इस तरीके से तो कंठ के स्पर्श से जो ध्वनि निकलती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है इसी प्रकार छ इसको बता है च वर्ण इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है तालु ट तो, तो, इसका उच्चारण मूर्धा त तो, दांत दोनों दांत के छापो और उचारा निकालो तब तो। तक दांत उठेगा नहीं तब तक तो निकलेगा नहीं ठीक है ऐसे ही दोनों होठ को छापिए और बोलिए खुलेगा तब तो नहीं जाएगा तो जिसके स्पर्श से निकले ठीक है आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए मत कि ज्यादा उम्र के आदमी है लाज लग रहा है क्योंकि याद रहेगा उसी से जब आप ध्वनि को पहचानते हैं ना तो उसका फॉर्मूला वही है कि अगर आप दांत दंत को उपयोग करके देखें हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका उच्चारण कहां से हो रहा है और कहां से नहीं हो रहा है तो कंठ तालु मूर्धा दंत और ये पांच के स्पर्श से ये पच्चीस ध्वनियां निकलती हैं तो कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई पच्चीस समझ गए बात को तो ये चीज चली फिर हो गया अंतस्थ व्यंजन दूसरा क्या है अंतस्थ व्यंजन तो य ठीक है य ल तो ये अंतस्थ क्यों है अंत मतलब अंत मतलब भीतर अस्त मतलब भी स्थित जो अंदर में कंठ तो तालु और मूर्धा सब जो अंदर के अंग है ये सब जब आपस में सटते हैं ठीक है और सब का जब उपयोग एक साथ होता है तो जो ध्वनि निकले उसको हम लोग बोलते हैं अंतस्त ठीक है तो इनको हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर ठीक ना और उष्म क्या हुआ उष्म मतलब होता है गर्मी गर्मी कहां से आएगी अगर दो चीज आपस में रगड़ाया तो रगड़ाने से क्या होता है उष्मा निकलेगी उस उष्मा को जब वायु के साथ लपेट करके कोई ध्वनि को फेंका जाए तलावे तो बोलते हैं ना ठीक है तो यहां दोनों आपस में सड़ जाता है बात को तो मतलब अगर केवल कंठ के, के उपयोग से आया स्पर्श केवल तालु से आया तो भी स्पर्श केवल मुर्धा तो से आया तो भी स्पर्श केवल दंत के युद्ध से आया तो भी स्पर्श और केवल होट से आया तो भी स्पर्श ठीक लेकिन जब चारों एक साथ एक्टिवेट हो गए तैयारा अंतस, अब स्पर्श नहीं रह गए तो हो गया अंतस, और जब चारों चलते हैं तो अलग स्थिति है चारों सटते हैं जब चारो सटते हैं तो इनके सटने से क्या होता है उष्म क्रिएट होता है उष्मा क्रिएट होती है ठीक है तो उस उसमा के जरिए जो साथ में जो शब्द का उच्चारण होता है उस उसका नाम पड़ गया उष्ण व्यंजन तो उस व्यंजन की संख्या कितना है तालाबे मूर्धन स और उष्प व्यंजन है चार अंतस्थ व्यंजन है चार ठीक ना और अस्पर्श व्यंजन है पच्चीस द्विगुण व्यंजन द्विगुण मतलब हुआ जिसमें दो गुण हो ठीक है मान लीजिए जैसे ही ड है और जैसे ही ढ है ठीक है तो हम लोग इसको जब उच्चारण करते हैं तो अगर इस पर क्वा लगा के तो ढक्कन बोलते हैं ढ है लेकिन अगर इसी चीज को ऐसे देखिए कि दृढ़ दृढ़ बोल रहे हैं ना तो ही डॉट लगाए तो इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया अगर हम लोग बोल रहे हैं डबरू तो ड है लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं अक्कड़ अक् डॉट लगाए तो ढ बोल रहे हैं ठीक है होता है कि नहीं होता है ड तो और ढ दो तो ऐसे व्यंजन हैं जिनमें डॉट लगाने से उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं इसीलिए उनका नाम रखा गया द्विगुण व्यंजन टोटल तो व्यंजन है थर्टी नाइन जैसे पच्चीस है स्पर्श चार है अंत्यस्त चार है उसमें द्विगुण है दो और लास्ट में आता है संयुक्त व्यंजन ठीक है देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या है छ त्र ज्ञ और स्र ठीक अब इसमें छ का उच्चारण स्थान क्या है क प्लस स ठीक है क प्लस स यानी हो गया छ प्लस र ठीक है ज प्लस इ स प्लस र चारों के पहला लेटर में हलंत लगाना है चारों के पहला में क्या लगाना है हलंत लगाना है

गए बात तो यही जो स्र है तो स र तो अब याद रहना चाहिए ये बात ठीक है और हाँ, हाँ जब ये बाद में आएगा तब तो होगा नहीं बाद पर भी नहीं है अगर हम उसके नीचे डॉट नहीं लगाते हैं तो उच्चारण में कोई चेंजिंग नहीं होगी अगर क द होगा लास्ट में ठीक है लेकिन हम उसके नीचे डॉट लगाते हैं तो उसका रूपांतरण हो जाता है बिंदु लगाने से जब तक बिंदु नहीं लगेगा तब तक उसके प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी दोहरे गुण रखते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए दो और वर्ड आते हैं वो तो है आयोग वाह देखिये आयोग वाह का नियम क्या है आयोग वाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है लेकिन इसका उपयोग स्वर के भी साथ है और व्यंजन के भी साथ चीज को तो आयोग है अंग और अह अंग को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग ठीक है तो जो अनुस्वार और विसर्ग है ये दोनों क्या है आयोग वाह ये दोनों क्या है आयोग वाह और आयोग वाह का नंबर कितना है दो समझ गए चीज को अब यही चीज आपको सब जगह लिखा हुआ है बाकी कुछ नहीं है वर्ण वर्ण किसे कहते हैं वह मूल ध्वनि है जिसको तोड़ा ना जा सके ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं वर्णमाला क्या है वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण कितने है? पावन ठीक है स्वर जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा को या स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर के तीन भेद हैं हरस स्वर हर स्वर को मूल स्वरूप या एकमात्रिक स्वर बोलते हैं इसके उच्चारण में दूसरे स्वर की सहायता नहीं ली जाती है अर स्वर है दीर्घ स्वर बिना मूल हरस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है मतलब और जोड़ अ मिलाने से जो स्वर बनता है वो दीर्घ स्वर है इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं आ और जोड़ जोड़ी अलुत जिस स्वर के उच्चारण में तीन गुना समय लगे ठीक है उसे क्या कहते हैं ओम व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े जैसे अगर हम लोग बोलते हैं क अगर हम लोग बोल रहे हैं क तो इसमें कहा जाता है कि क हलंत है और स्वर है तो जो स्वर की मदद से बोला जाए उसे क्या बोलते है? ब्यांजन। ब्यांजन है? हैं व्यंजन व्यंजन के पांच भेद स्पर्श किस चीज का स्पर्श होगा कंठ तालु मुर्धा दंत और उष्ट इसमें कख गंगा चछ कठो धन तथो धन और पफ अस्पर्श व्यंजन कितने हैं पच्चीस अभी बताए हैं व्यंजन इसमें जीव तालु दांत ओठ सबका परस्पर मेल होता है परस्पर सटने से होता है इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं अभी बताए हैं ठीक है इन वर्णों का उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मीय वायु से होता है इनकी संख्या कितनी है चार संयुक्त व्यंजन जिन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों से मिलने से होता है ठीक है जैसे छ त्र ये चारों वर्ण क्या है संयुक्त व्यंजन है अभी बताए छ में कौन से दो वर्ण मिले हुए हैं जी बोलिए तो फटाफट क और षटकोण वाला वाला त्र में त और र और सर सब के पहला में हो। ठीक ना? तो ये हो गए आपको संयुक्त अब देखो यहाँ एक पॉइंट और है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वायु प्रक्षेप का मतलब ये होता है किसी किसी वर्ण का जब हम लोग उच्चारण करते हैं ना तो उस उच्चारण के दौरान कभी ऐसा लगेगा कि उसमें है जिससे हम लोग बोलते हैं को? तो जिस ध्वनि को अंदर की ओर खींचते हैं और जब इसको बोलते हैं ख तो इसको बाहर की ओर फेंकते हैं जो बाहर की ओर जाता है उसमें साथ में लगा होता है ये हो? घर कि साथ में दौड़ा ला रहा है हो? तो जहां ह का आकार आए वो है महाप्राण और जहां ह कार निकले तो हो गया अल्प प्राण अब देखिए अल्प प्राण ध्वनि को कैसे पहचानेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है मतलब देखिए प्रत्येक वर्ग का तो वर्ग यही पांच गो है पहला वर्ग किसी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा क्या है अल्प तो ये पांचों के लिए नियम लागू होता है ठीक है ए पांचों के लिए लागू होता है और ए पांचों के लिए लागू होता है और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन ठीक है इसको क्या कहेंगे अल्प प्राण अल्प प्राण क्यों कहे क्योंकि इसमें हकार कार नहीं है हकार हाँ नहीं है ठीक है तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा दे देगा कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन अल्प प्राण है और कौन नहीं है अभी तो सामने से देख रहे हैं ना उत्तर तो लग रहा है कि आसान है जब क्वेश्चन के बीच में आएगा ना कि कलावे स और में से कौन सा वर्ड अल्प प्राण है सोचिए कितना कड़ा क्वेश्चन होगा तो अल्प प्राण को पहचानने का तरीका क्या है कि व्यंजन में आइए स्वर अल्प प्राण नहीं है सॉरी हम बोल रहे हैं कि अल्प प्राण वाले वर्ण में क्या क्या रखे जी तो स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो भी वर्ण होगा तो हो गया पांच दस और पंद्रह और यहां हो गया चार उन्नीस अब देखिए उसकी परिभाषा पर आते हैं तो यह और क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये अल्प प्राण है तो अल्प प्राण में आपको यहां देखिए छाट के लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक वर्ग क वर्ग का तीन अक्षर और तीन अक्षर के तीन अक्षर त बर के तीन अक्षर प बर के तीन अक्षर और ठीक है इनको बताइए कि ये जो होंगे सो उन्नीस तो अल्प प्राण की संख्या कितनी है अल्प प्राण की संख्या कितनी है अंग किस प्रकार का वर्ण है किस प्रकार का व्यंजन है स्पर्श व्यंजन ग किस प्रकार का है स्पर्श और अल्प प्राण होगा ना पहला तीसरा में आएगा ना तीसरे में आएगा ठीक है था स्पर्श तो है लेकिन अल्प प्राण है नहीं अब आइए महाप्राण जिसमें हकार की ध्वनि निकली वह महाप्राण है तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और प्लस में व्यंजन ये महाप्राण होते हैं तो जैसे क वर्ग में अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा ख और वर्ग में छ और वर्ग में ठ और धा। ठीक है और त वर्ग में थ और वर्ग में फ और, और भ ठीक है और यहां हो गया तलाबे स मूर्धन सा, सा, सा उसमें व्यंजन तो महाप्राण कितने हो गए तो क्यों न इसी को वर्ण का आधार बनाया गया क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था में उन्नीस और चौदह का तो सोल्यूशन है ये हम लोग बांट सकते हैं कौन अल प्राण है कौन महाप्राण है लेकिन बावन वर्णों के विभाजन करने की विधि से मौजूद ठीक है तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के कितने भेद हैं दो अल्प प्राण और महाप्राण में हकार की ध्वनि निकलती है और अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है क्लियर है ठीक है इसके अलावा अल्प प्राण की संख्या 19 है और महाप्राण की संख्या चौदह है इतनी बात याद रहेगा तालाबे स किस प्रकार का कौन प्राण है तालाबे संग छ न अल्प प्राण महाप्राण चौथा तो नंबर में आया प तो इसको याद रखना अब देखिए वर्ण का एक और तरीके से भी हम लोग बंटवारा करते हैं इसको बोलते हैं नाद के दृष्टि से ठीक है नाद का मतलब जानते हैं नहीं बैल के खाने वाला नाद बोलते हैं <laughs> नाद का मतलब होता है कह सकते हैं गुंज ठीक है नाद का मतलब जैसे हम लोग कोई देखते हैं मंदिर वगैरह में ढोल रखा है उसको पिटते हैं तो उसमें प्रकंपन नहीं होता है ठीक है तो उसी को बोलते हैं नाद इसको और टेक्निकल शब्द में बोलिए तो बोलते हैं झंकार कुछ शब्दों में झंकार होता है और कुछ शब्दों में झंकार अब किसमें झंकार होता है अगर झंकार है तो घोष और अगर झंकार नहीं होता है तो अघोष ठीक है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिएगा तो नाद के दृष्टि से भी वर्ण के कितने भेद होते हैं जी घोष और अघोष दो वर्ण हुए अब कहता है कि घोष वर्ण में झंकार होता है अघोष वर्ग में झंकार नहीं होता है ठीक? उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक वर्ग का तीसरा प्रत्येक वर्ग का चौथा प्रत्येक वर्ग का पांचवा मतलब एक और तीसरा चौथा पांचवा इसका मतलब हो गया जैसे क वर्ग था तो क और ख को छोड़ दीजिए तो गा, को छोड़ दीजिए तो झ और ट <laughs> तो और ठ को छोड़ दीजिए तो ड और न को छोड़ दीजिए तो द और न इसके अलावे सभी स्वर कितने हैं ग्यारह इसके अलावे मतलब अंतस्थ व्यंजन तो ये कितने हो गए चार और एक उस व्यंजन का भाग है ठीक है ना जितना आसान समझ रहे उतना नहीं घोष इतने वर्णों में झंकार है तो देखिए पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस को जो होते थे उधर वो पच्चीस में से तीन अगर हम लोग यहाँ निकाल लिए तो पंद्रह स्पर्श व्यंजन घोष बर्ड में आ गए तो पंद्रह को स्पर्श जाए ग्यारह ही हो गए पंद्रह छब्बीस और चार ठो व्यंजन तीस और एक ठो हर हूष्प व्यंजन एक तीस तो घोष व्यंजन का संख्या कितना हो गया एक बताइए जी था घोष है क्या घोष है हाँ घोष है क्या घोष है तलावे सा घोष हो गया तलावे सा बुधन सा उधन सा में से केवल ह नहीं यहाँ है बाकी तीनों तो यहीं नहीं रहेंगे यारा लवा वाला अंतस्थ वाला चारों है लेकिन उस व्यंजन में हम लोग पढ़े थे ना तलाबे सब मूर्धन सब दन और हाँ तो तीनों सौ इसमें थोड़े ना खाली खाली हाँ हर है तो तलाबे से कहां हो गया ठीक है इसी प्रकार बताइए वो वो घोष जा एक घोष तीन नंबर पर है ठीक है।, है खाली ध्यान रखिए अपने दिमाग से बैठ के घर में लिखना है तो लिखिएगा ना तो पता चल जाएगा देखिए अस्पष्ट व्यंजन पच्चीस है ये पांच वर्ग में बटे हैं पांचों का पहला दूसरा अक्षर को छोड़ देने से क ख अघोष है च छ अघोष है ट ठ अघोष है त थ अघोष है प फ इसके अलावे तलाब स मूर्धन स और तन स तीनों स अघोष हैं, तो वही पांच दुना का दस तीन ठो स तेरह ठो क्या हो गए तो क क्या है क क्या है क घो है का का क से कबूतर अच्छा। ग से गमला ज से जहाज घस हाँ घोष तो सबसे आसान है केवल स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा अक्षर अच्छा। ठीक है और बाकी तीन गोसा, और, आ... और बाकी जो बच गए साहब तो घोसे है इस पर हम टेस्ट लेंगे ठीक है <laughs> नहीं क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसा है ना कि सुनने समझ समझ में आ रहा है इसीलिए हम बोले कि एक ही जगह पर हम सब उलट देंगे यही चीज हम अलग अलग पढ़ाते हैं ना आपको तो जो पहला लिखवाते हैं तो लोग दूसरा भूल जाता है दूसरा लिखवाते हैं पहला इसीलिए हम उसको एक चार्ट में लेकर के आते हैं कि वहीं पर बांट दीजिए ठीक है अब आइए आयोग वाह अभी तुरंत हम लोग उसकी परिभाषा बताए हैं हिंदी वर्णमाला में जो न नस, जो न स्वर है व्यंजन है परंतु इसका प्रयोग स्वर के भी साथ है और व्यंजन के भी तो उसे हम क्या कहते हैं आयोग आगे इसके दो रूप हैं अनुस्वार और विसर्ग अनुस्वार अंग को अनुस्वार कहते हैं इसका साकेतिक चिन्ह विसर्ग इसका उच्चारण के समान होता है इसका सांकेतिक चिन्ह कोई दिक्कत ठीक है जैसे अनुस्वार को हम लोग यहाँ डॉट देख देते हैं और कहीं भी विसर्ग लिखे अध पतन लिखते हैं ना तो अधा विसर्ग के लिए क्या बोले हा ही बोलते है रज कन तो रज हिसर्ग का उच्चारण क्या होता है है किस आयोग वाह का उच्चारण है विसर्ग का अनुस्वर और विसर्ग क्या है आयोग वाह किसे कहते हैं अब देखिए एक तो अनुनासिक वर्ण भी होता है देखिए बर्ड हमारा खत्म हो गया अब हम बर्ड के यूटिलाइजेशन पर कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके प्रयोग पर तो वर्ण में एक वर्ण है अनुनासिक वर्ण अनुस्वार मतलब केवल डॉट विसर्ग मतलब सामने से दो गो डॉट और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु को कौन सा वर्ण बोलते हैं अनुनासिक वर्ण इसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का उपयोग किया जाता है इसीलिए इसका नाम है अनुनासिक बोल चाल में इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं अब देखिए आपको बता रहे नुक्ता हिंदी में नुक्ता अरबी फारसी से आई है जैसे अगर क के नीचे बिंदु लगा दिए ख के तो सब मीनिंग चेंज हो जाएगा कि मत नहीं चेंज हो नुक्ता इसी को बोलते हैं किसी स्पर्श व्यंजन के नीचे जो हम लोग बिंदु लगाते हैं लेकिन कहाँ है इन्हीं वर्णों पर है देखिए कैसे अर्थ चेंज होता है यह उदाहरण से समझ लीजिए अब देखिए इसको ऐसे समझिए अगर राज लिखा हुआ है राज और राज, इसका मतलब हो गया राज्य लेकिन इस राज में अगर नीचे नुकता लगा दिए तो मीनिंग चेंज हो गया बोलते हैं ना, कुछ तो राज है जो छिपा रहे हो तो राज मतलब रहस्य तुम किस राज में रहते तो राज हो राज ठीक है तो सब ध्यान दीजिएगा ये डॉट लग गया तो मीनिंग बदल गया वैसे ही जरा तो इसका मतलब होता है बुढ़ापा अरे जरा सा पानी दीजिए तो यहाँ जरा का मतलब क्या हो गया थोड़ा ठीक है तो वाला देता है कि सब लिख देगा जरा नीचे डर लगाएगा ठीक है और लिखेगा किसका अर्थ बताइए तो आप जरा का एक ऑप्शन जरूर ऊपर वाला भी रहेगा बुढ़ापा जरा मतलब कीमती इस तरीके का देगा और जरा मतलब थोड़ा सा इसी प्रकार फन तो केवल फन और फन तो इसका मतलब हो गया सांप का लेकिन अगर डॉट लगा दिए तो बोलते ना हर फन मौला यह व्यक्ति हर फन मौला है तो यह फन का मतलब क्या हो गया हुनर यह अपने फन में माहिर है तो यह अपने हुनर में तो नुकता जिस शब्द के नीचे नुकता लगा दिया जाए उसका मीनिंग चेंज हो जाता है जाएगा तो याद रखिएगा, ठीक है? नुक्ता किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के नीचे बिंदु का चिन्ह लगाया जाए और बिंदु का चिन्ह लगाने से उसके अर्थ में बदलाव आ जाए तो यह क्या कहलाता है नुक्ता कहलाता अभी आप देखे नीचे लगाए हैं डॉट और मीनिंग भी चेंज किए उच्चारण सेम है प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है लेकिन नुक्ता लग जाने से अर्थ में परिवर्तन हो गया होता है आइए अब एक और चीज आप लोग को सिखाते हैं ठीक ना और उसको देखिएगा जैसे अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना वो है पंचमाक्ष और हम आपको कुछ वर्ड दे रहे हैं जैसे मेरा नाम है संजय अब कि तुम लोग को ये बताना है कि अगर अनुस्वार नहीं होता लिखने के लिए तो आप संजय कैसे लिखते आधा न लिखते और कैसे लिखते बताइए आप लोग से क्योंकि कॉपी तो आके देख नहीं सकते हैं ये संजय ठीक है ये संजय ठीक है कैसे लिखिएगा नयन लगा दे अब देखो एक चीज और बता रहे तू लोग गलत बता अब जैसे देखो एक अनुस्वार है दम, अगर इसको अनुस्वार के बिना लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं दम? एक और वर्ड दे रहे हैं दंड अगर इसका अनुस्वार नहीं होता तो कैसे लिखते दंड लिखते ना जी इसी प्रकार एक वर्ड लो संधि अगर अनुस्वार नहीं होता तो कभी कैसे लिखते संधि ऐसे लिखते है ना संधि अब ये बताइए कि ऐसे कैसे होगा एक अनुस्वार के बदले में एम लिखिएगा म लिखेगा एक अनुस्वार के बदले में न लिखिएगा एक अनुसार लिखियेगा जेकरा में जहाँ मन वैसे लिखिएगा चुके हैं हमको पता है, चार का ही बैच है तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे पढ़ा रहे हैं कभी तो आप लोग सोचे कि संधि में कहे लगता है दंभ में कहे लग जाएगा दंड में क्यों लग जाएगा जिसको जहां जो मन करेगा वो लगा देगा यहीं पर खेल शुरू होता है पंचमाक्षर ठीक है पंचमाक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क वर्ग का अक्षर कौन है च वर्ग का अक्षर कौन है ट तो वर्ग का अक्षर कौन है और त तो वर्ग का अक्षर कौन है और कर् तो का अक्षर क्या है अक्षर है तथा तथा न अक्षर है पांचवा अक्षर है तो इसी पांचों वर्ण को हम लोग कहते हैं पांचवा पांचों अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के लिए किया जाता है ठीक है अब देखो इसका नियम क्या हो गया जैसे ही दीक है थीके? तो ऐसे देखो त थ द ध और न पांच गो हुआ ना तो जिसके ऊपर अनुस्वार है जिसके ऊपर अनुस्वार है उसके वर्ग का पांचवा अक्षर अच्छा। ठीक है न है लेकिन हमें वो नहीं लेना है जिसके ऊपर अनुस्वार है उसका अगला वर्ण कौन है मा। तो अगर अनुस्वार हटाएंगे तो जो ये दम्भ मान लीजिए भ था तो भ का वर्ग क्या है प, भा, भा, भा और इसका रूल यही चलता है देखिएगा ध्यान से जिसके ऊपर अनुस्वार है उसके बाद वाला अक्षर उस वर्ग का पांचवा अक्षर का आधा लगा दीजिए तो अनुस्वार की प्रयोग करने की जरूरत इसीलिए दंभ में द द पर अनुस्वार है तो अगला वर्ण कौन है म तो म का भ है अगला अक्षर दंभ है ना भ है तो भ वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है म तो वही आधा म लगा दिए देखो अभी दंड तो यहां द पर अनुस्वार है तो द तो के बाद कौन है ड तो आइए ट ठ ड ढ और ण ड तो वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है न इसी को आधा लगा दिए तो दंड नहीं लिखे हैं संधि तो पर अनुस्वार है स के बाद क्या है तो वर्ग का पांचवा है तो यही वाला न लगाते हैं अब समझ में आया कि यही क्यों लगता है ठीक है अब आइए आपको यह बताते जैसे हम बोले अपना नाम संजय ठीक तो स पर अनुस्वार है और हमको अनुस्वार नहीं लेना है तो अनुस्वार के बदले हम क्या लेंगे किसका लेंगे अनुस्वार के बाद वाले वर्ण पर तो जो तो ज पर का पांचवा तो संजय में आधा इ और य लगाइए यही संजय सही है मैं प्रेंग, मैं प्रेंग। हाँ म यंग इसमें पंचमाक्षर का प्रयोग होगा ही नहीं क्योंकि पांच ही अक्षर है और जो वर्ण है उसमें पांच अक्षर नहीं होता है मूर्धन स धन स लगातार न जाता है वो पांचे को वर्गे बना है जो स्पर्श व्यंजन में है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्गर इसीलिए नहीं तो हम लोग अनुस्वार छोड़ देते यंग के, के लिए ही तो अनुस्वार को जिंदा रखे हैं कि अगर ऐसा नौबत आएगा जिसका वर्ग में कोई पांचवा अक्षर नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे तो फिर बिना अनुस्वार का मेरा काम नहीं चल रहा है समझिए बात को अब देखो ऐसे ही जैसे वर्ड है चंचला ठीक तो यहां च है च के बाद अगला वर्ण कौन है तो फिर इसका पांचवा वर्ण कौन है या? तो आधा इ लिख सकते हैं यही शुद्ध है तो देता है कोई एक वर्ड देगा और वर्ड दे के नीचे लिखेगा ना कि पंचमाक्षर का प्रयोग बताते हुए बताइए कि शुभ वर्तनी का प्रयोग किसमें हुआ है शुद्ध वर्तनी तो अगर आप संजय में चार को ऑप्शन दे देगा ना कि स आधा न ज य आधा न इनमें से कोई नहीं तो शुद्ध कौन होगा वाला अब आइए क वर्ग वाला तो क में थोड़ा सा अल्टर है जैसे आप लोग देखिए लिखा होता है अंक अगर अनुस्वार नहीं है तो अ के बाद वर्ण क्या है को? तो वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है अंग तो हम लोग पूरा अंग लिख देंगे ठीक है तो फिर क लगा कहा लगाएंगे और क लगाएंगे तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे तो अगर आधा कर देंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा ड अगर विसर्ग को हटा दें तो इसका उच्चारण बदल ना जाएगा अंग से क्या हो जाएगा ड हो जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अ के बाद अंग पूरा लिखिए और इसी के नीचे क लगा दीजिए दे। देखिए कहीं कहीं लिखा हुआ अंक लटका के नीचे पाव ग लिखा जाता है वही पंचमांक्षर अंग तो अंग कैसे लिखेगा तो अ के बाद लिखिए अंग और नीचे लिखिए ग अब समझ में आया? और कोई तो एग्जाम्पल है तो बोलिए तो पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे करना है पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को कहते हैं अंग मूर्धन दंतन और ये पांचों पांच अक्षर इनका प्रयोग अनुस्वार के बदले करना है कैसे करना है जिसके ऊपर अनुस्वार हो उसके ठीक अगला वर्ग अगला वर्ण का पांचवाक्षर का आधा लिखा जाता है तो वो वर्तनी शुद्ध तो होती है अगर लिखा है कि मयंक में पंचमाक्षर का प्रयोग करिए तो इसमें ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दिस ठीक है क्योंकि पंचमाक्षर पांचे ग्रुप के लिए बना हुआ है सबके लिए नहीं बना हुआ है आ गया बात क्लियर देखो हिंदी में अनुनासिक वर्णों को पंचमाक्षर कहते हैं इनकी संख्या पांच है अंग न और म मा। पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के बदले में किया जाता है प्रयोग करने की विधि क्या है जिस वर्ण पर अनुस्वार है उस वर्ण का अगला वर्ण का पांचवा अक्षर का आधा अनुस्वार वर्ण के ठीक बाद वाले स्थान पर लिख दिया जाता है जैसे अंक लिखा हुआ है लेकिन उसका कलर अलग है इसलिए दिख नहीं रहा है तो अंक कैसे लिखा हुआ है अंग और चंचू साधा यहां लगा खंड तो ख के बाद क्या है तो ये वाला न लगेगा संधि ये वाला न लगेगा दम ये लगेगा ठीक है ऐसे जितने भी पांचों वर्ग अक्षर आएंगे आप सोल्व कर सकते हैं अब देखो अगला वर्ड क्या है वर्ण में उसे हम लोग कहते हैं बलाघात क्या कहते हैं मतलब किसी शब्द के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए ठीक है किसी शब्द के उच्चारण पर ज्यादा जोर देते हैं और जिसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं उसे हम कहते हैं कि बलाघात लेकिन एक कंप्लीटली है कि आपको हिंदी का समझ होगा तब एक क्वेश्चन बनेगा नहीं तो आपसे नहीं बनेगा ठीक है जैसे अगर हम किसी को बोल दें कि बोलो विष्णु जोर से बोलो और बताओ कि किसमें ज्यादा बल लगा के खींच रही है विष्णु विष्णु कहा जाते फोकस होकर मार रहे हो न पर ये जन्म जात दो है इसका सही होता है विष्णु वी मतलब पूरा ताकत करके श्वास को रोक करके व पर जोड़ दे रहे हैं और नू को तो कह के छोड़ दे रहे हैं विष्णु नू नू में तो आवाज अंदर जाना चाहिए ना और जिसको उच्चारण नहीं करें विष्णु जबरदस्ती के ठेल के भगा रहा इधर ऐसे ही अगर हम लोग बोले कि इंद्र हम इंद्र लग रहा है कि द पर मार रहे बड़का सा बल लेकिन ये हमारा उच्चारण का बुनियादी दोष है ताकत लगा रहे इ, द्रौ। द्रौ के छोड़ देना है वर्ड और ई को ताकत से बोलना है इसीलिए काम आपसे पढ़ लिख के नहीं होगा तो दो गो एग्जाम्पल दिए परीक्षा में नब्बे परसेंट जगह पर यही पूछता है कि इंद्र में किस पर बला हुआ तो ई पर और विष्णु में पर ठीक है अब अगर हम बोल के ट्राई मार के करने के लिए कहें तो आप लोग दोनों को उलट दीजिएगा विष्णु इंद्र ठीक है तो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ही जन्म जात दो है तो बलाघात पकड़ाएगा कहां से नहीं पकड़ाएगा ठीक है इसीलिए आप सीधा एग्जाम्पल लेकर के जाइए ये परीक्षा के च्वाइस में या तो इंद्र देता है या तो विष्णु देता है इंद्र में ई पर और विष्णु में व पर ही बलाघात होगा लीजिए दूसरा एक चीज और है जहां विसर्ग का चिन्ह पढ़ेगा वहां बलाघात जरूर होगा जैसे हम लोग बोलते हैं दुख तो विसर्ग है निसंदेह न के बाद तो जहां पर विसर्ग पड़ेगा ठीक है वहां पर बाला बात समझ गए तो यही इसका सिचुएशन है दुख और तो यहां याद रखिएगा कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नीचे दिए गए विकल्पों में किस पर बलाघात हुआ और अगर उसमें कोई विसर्ग वाला वर्ड है तो कोई बुद्धि ट्राई मत मारिएगा कि दौरा पर मारे कि रौरा पर मारे कि विष्णु पर मारे वो सब ट्राई करने की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर हो गया वहां बलाघात है विसर्ग लग गया रजह बोलते हैं ना हम लोग पर ऑलरेडी बलाघात हो जाता है जहां विसर्ग लग गया वहां बलाघात पकड़ा जाएगा क्लियर चले चलिए एक और चीज है वो है अनुतान अनुतान को क्वेश्चन यहां से कम रहने का चांस है फिर भी अनुतान को सुर लहर बोलते हैं सुर लहर मतलब लहर में अगर कोई बात बोल दिए तो मीनिंग में, में चेंज हो जाएगा जैसे हम बोलेंगे बताओ जी कलम कौन देगा कलम कौन देगा इसका मतलब हम कलम मांग रहे हैं है तो दे दीजिए लेकिन हम बोलेंगे कलम देगा कौन लहरा के बोले करेगा कौन धमका रहे हिम्मत है, है तो करो तो तो वर्ड सेम रह गया लेकिन जो उसमें लहर पैदा किया गया उससे उसमें चेंज ठीक है तो उसी को बोलता है कौन करेगा सेम लाइन है तो ये हो गया काम इसमें अनुतान का प्रयोग नहीं हुआ लेकिन करेगा कौन मतलब हम एक प्रकार से करेगा ये जो लहर पैदा किए इसका मतलब इसमें मीनिंग निकल रहा है कि किसी की हिम्मत है तो करके दिखाओ और हम नॉर्मल बोल रहे हैं कौन करेगा इसका मतलब सब करने के लिए तैयार है बताओ कौन करना चाहता है मीनिंग चेंज हो जाता है आपको ये सब नहीं पूछेगा इसमें कल पूछेगा लहर किसे कहते हैं तो अनुतान को लहर कहते हैं लहर होने से उसका प्रभाव चेंज हो जाता है मीनिंग बदल जाते हैं इसके बाद आता है किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों के सहायता के नहीं किया जा सकता ठीक है किंतु यदि किसी व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता के लिखना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है ठीक है उसी को हम लोग हलंत बोलते हैं खैर विराम चिन्हों का प्रयोग देख लीजिए कोमा जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं आ, इसी प्रकार अगर कहीं पर डॉट लिख के नीचे लगा रहे हैं तब क्या होगा अर्ध विराम खड़ा लाइन पूर्ण विराम खड़ा लाइन के नीचे डॉट लाइन क्वेश्चन मार्क किसी किसी में सिंगल इन्वर्टर कुमा होता है इकहारा उद्धरण ठीक है और किसी में डबल होता है तो दोहरा उद्धरण और बाकी ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए सेमी कॉलम लिखिए इसको बोलते हैं पोस्टक देखिए इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको प्रश्न जो आएगा वो यहां से आएगा कि एक डॉट देकर के उसे क्या कहते हैं तो अर्ध विराम दूसरा क्वेश्चन जो आएगा डॉट के नीचे बिंदु लगा दे तो विस्म बोधक चिन्ह और तीसरा आता है यही ठीक है और एक और आता है हंस पद होगा नीचे किसी भी चीज को दो वर्ड है जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि माता डैश पिता डैश को क्या बोलते हैं कोई चीज को अंडरलाइन करते हो उसको क्या बोलते हैं रेखिका और जैसे कोई बात हम लोग लिखते हैं ना कि राम ने रावण को मारा अब इसमें छूट गया ने लिखने का जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर में यहाँ लगा के लिख देते ना ने? ने तो ये जो ने है, इसको बोलते हैं है हंसपद लगाते सब है लेकिन नाम जानना कड़ा काम है ऐसे ही कोई बात लिखते हैं कौन करेगा और डॉट 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 लगा दिए इसका मतलब होता है लोप निर्देश मतलब आगे कुछ निर्देश है

यही लिखा जाता है हम लोग उसको कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं तो ठीक है लेकिन रियल में लिखा जाना चाहिए एची। तो कहा जब हाँ। वो है संक्षिप्त अगर केवल डॉट लगा के छोड़ा हुआ है ठीक है वो अनुस्वार नहीं है वो सिंगल आता है जैसे अगर किसी चीज को लिख करके हम लोग इसे एक लाइन डॉट मार दिया उसके लिए तो अरे जैसे डॉक्टर लिखते हो ना जी तो क्या करते हो डॉक्टर के बगल में यहां बिंदुआ नहीं मारते हो ऊपर नहीं है वो ठीक है तो डॉक्टर लिख के जो डॉट दिया है क्या संक्षिप्तते नहीं किया ये पूरा डॉक्टर नहीं लिख करके खाली डाल लिख करके डॉट मार दिए हा, हा ठीक है कहीं तो कहीं लिखना होगा उदाहरण तो उदाहरण लिख डॉट लिख देते हो तो क्या है ये संक्षिप्त कर दिए उस वर्ड को ठीक है तो ये पूरा नोट आप लोग को दिया हुआ है नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इस टॉपिक को तीन दिन चार दिन पढ़ने में लगता है लेकिन आप लोग के महत्व को दिखते हुए एक दिन के अंदर और कॉन्सेप्ट वाइज हमको पता है कल सभी को इसे खड़ा करा के हम छो, -छो क्वेश्चन पूछेंगे क्लास के स्टार्टिंग से पहले कौन अल प्राण है कौन महाप्राण है कौन स्पर्श व्यंजन है कौन मूर्धा का स्वर के बताइए वर्ड कौन दो है दीर्घ स्वर कौन है संयुक्त व्यंजन में कौन कौन दो वर्णों का मेल हुआ है आयोग वाह कौन सा है ठीक है एक वर्ड देंगे उसके नीचे उसका मीनिंग क्या होगा जो उदाहरण दिए उन्हें पूछेंगे पूछेंगे बाहर का पुछेंगे. एक वर्ड लिखवाएंगे कि आप आके बोर्ड ब्लैक पर लिखिए ठीक है कि कौन सा पंचमाक्षर का प्रयोग करते हुए आप उसको कैसे लिख रहे हैं सारा क्रियाकलाप कल करवाएंगे हिम्मत की मत आइयेगा अगर हाँ सीखना तो है ही ना नहीं लिखाएगा तो कौन इज्जत चल जाएगा कि हम लोग इज्जत लेकर के बैठे हुए हैं बहुत बड़ा सा चलिए ठीक है थैंक यू